as a beauty queen, more like you're more like an ambassadress of your country. आप अपने country को represent करते हैं, आप अपने organisation को represent करते हैं as an international beauty pageant winner. And as an actress, आप एक ऐसे image को portray करते हैं जिसको आप खुद नहीं जानते, जिसको आप खुद बनाते हैं, जिसको आपके director निखारते हैं, सवारते हैं. तो it's a portrayal of an image जिसका कोई past नहीं है, कोई future नहीं है. तो इन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि फिल्मों में आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, एंड एज अ ब्यूटी पेजेंट विनर आप अपने आप को अपने कंट्री के साथ प्रोजेक्ट करते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो इट इज लाइक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी फिल्म अच्छी बनाएं, अपने जो डायरेक्टर आपने, आपके प्रोड्यूसर ने जो आप, जिसको आपने साइन, जिसने आपको साइन किया है, आपके अंदर कुछ अच्छा ही सोच कर किया होगा, तो उनके एक्सपेक्टेशंस तक लिव अप टू करना इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने फैंस के एक्सपेक्टेशंस पर लिव अप टू करना, इन सब चीज़ों में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड एज अ ब्यूटी पेजेंट बिना वहाँ पे यू हैव द होल कंट्री लुकिंग अप टू यू. सब लोग आपको देखते हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपकी हर बात पे मीडिया कूदने को रहती है. सो दोनों तरफ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. I don't think I can imagine doing anything else anymore. जब मुझसे कोई पूछता है कि are you having an affair with anybody, I say I'm having an affair with my career. I am having such a torrid love affair with films. I love every part of films. हमारे देश में लोग भूलना शुरू कर गए हैं कि आज़ादी का मायने क्या होता है, क्योंकि हमें इतनी आसानी से फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वॉइस मिल चुकी है. आई थिंक इस स्वतंत्रता दिवस पे हमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि हमें इतनी आसानी से अगर हमें कुछ लगता है तो हम उसको बोल सकते हैं. बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ऐसे फ्रीडम किसी को नहीं मिलता. हमारी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी ये फ्रीडम ऑफ चॉइस हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए और प्राइड होना चाहिए कि हम इस देश में आ गए. सुंदरता खुशी से आती है. अगर आप अंदर से खुश होंगे, आपका जहन खुश होगा, आपकी जिंदगी खुश होगी, तब आप नेचुरली खूबसूरत लगेंगे. इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स. चाहे आप जितना मेकअप लगा रहे हैं, जितनी सर्जरीज करवा लें, अगर आप अंदर से खुद खुश ना हो, देन यू विल नेवर लुक ब्यूटीफुल. मेरे को तो, मैंने कभी मॉडलिंग की नहीं थी. मेरा पहला पोर्टफोलियो मिस इंडिया के दौरान बना था. मेरी पहली बार जब मैं रैंप पे चढ़ी थी, मिस इंडिया के टाइम था, कैमरा फेस किया था मिस इंडिया के टाइम था. तो मेरा कभी इंटेंशन ऑनेस्टली नहीं था टू कम इन टू मॉडलिंग. मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ रही थी. लेकिन एक बार जब मैंने इस फील्ड में अपना पैर रखा और अच्छा लगा, तो फिर वाई नॉट, यू नो, सब कुछ ट्राई करे बिना क्यों जाना. एंड सेकेंड वॉज जब मैं जीत कर आई वापस, और मैं बरेली गई थी और मेरा होम कमिंग हुआ था वहाँ पर, I never thought I would get such a warm response. I mean, log, मैं about 8 बजे पहुँचने वाली थी बरेली, और 4 बजे से लोग हाईवे पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे मेरा. About thousands and thousands of people. I remember a journalist covering it with helicopters because you saw so many people. It was shocking. And it was very overwhelming कि इतने सारे लोग आए मेरे को देखने के लिए. मैं स्टेज पर थी जब जब वो वॉर्म फिटा शाहरुख के साथ उनकी लास्ट एंट्री थी. एंड हमारा गाना चल रहा था और पायरो होता है, तो मैंने सोचा पायरो था, फायरवर्क्स. एंड इट वाज वेरी लाउड क्योंकि मेरे कान में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. थोड़ी देर के लिए चें आवाज़ जो आती है वो आने लगी एंड कान दुखने लगे, और मैं पीछे गई. मैंने देखा कुछ हुआ, मैंने दो लोगों को गिरते हुए देखा, और फिर सडनली उससे पहले कि मैं, वो लाल हो गए थे, और सडनली इससे पहले कि मैं रियलाइज़ करती क्या हुआ, मैं बैक स्टेज चली गई थी क्योंकि मेरा नेक्स्ट एक्ट था. एंड वाइल चेंजिंग आई वॉज, यू नो, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज टिल देन, क्योंकि ये सब कुछ अबाउट 3-4 सेकेंड में ये सब बातें. एंड म्यूज़िक सडनली फेडेड, एंड हम सबको, प्रीति सलीना और मैं एक साथ थे, और हम सबको गाड़ियों में लेकर गए, हमारे कमरे में लेकर जल्दी चेंज कर. There were two people dead, and
बैकस्टेज में एक औरत थी जिनका हाथ नहीं था, वो घूम रही थी, कह रही थी कुछ करो कुछ करो. तो आई थिंक वन ऑफ द आर्टिस्ट गेव हर एक दुपट्टा या कुछ जो पहना हुआ था उनको दे दिया ताकि वो बांध सकें और किसी को बुलाया कि उनको ले जा सकें. तो इट वॉज रियली रियली शेकिंग अप इंसिडेंट कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को डेड नहीं देखा और मेरी आंखों के सामने जब ऐसा कुछ हुआ. जब हम लोग सिर्फ स्टेज पे जाते ताकि लोग हंस सकें, हमें देखकर एंटरटेन हो सकें, खुश हो सकें, और एक ऐसी जगह में जहाँ पे ऑलमोस्ट 25,000 लोग थे, 30,000 लोग थे, वहाँ पे कितनी बड़ी बात हो सकती है.